बड़ी खबर राजधानी पटना के मासलामी थाना क्षेत्र से है, जहां चोरों ने एक बड़ी चोरी घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि अयोध्या घूमने गए कुरकुरे कारोबारी और यहां उनके घर में चोरी हो गई। वहीं कुरकुरे कारोबारी ने बताया कि होली के एक दिन पहले हम अयोध्या गए थे और वहां से जब कैमरा को चेक किया तो कैमरा बंद नजर आया। जब हमने अपने स्टाफ को बोला कैमरा देखने के लिए तो उन्होंने बताया कि घर में ताला लॉक है और ऐसा कोई बात नहीं, नेट का कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब वो पहुंचते हैं अपने घर बीती रात को तो देखते हैं कि दरवाजा ऊपर का टूटा हुआ है और अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ है। अलमारी के जो भी कपड़े थे वो बाहर में बिखरे पड़े थे। वहीं जैसे ही वो चेक किए तो उन्हें पता चला कि हमारे घर में एक बड़ी चोरी हो गई है और उनके घर से 1,90,000 कैश समेत 1.5 लाख के ज्वेलरी भी चोरी करके चोर फरार हो गया। वहीं मौके पर 112 डायल पुलिस को सूचना दी, साथ में मासलामी थाना को भी उन्होंने सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की बीती रात को 2 बजे पहुंचकर छानबीन की और उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द ही चोर को पकड़ लिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में मासलामी थाना की पुलिस और कुरकुरे कारोबारी, हम उनके बयानों के साथ छोड़ जा रहे हैं। ये छोटी नगला का बात है, वहाँ एक कुरकुरे कोई कारोबारी है, वो अभी मतलब घर पे उपस्थित नहीं थे और रात में सूचना मिली थी कि उनके घर पे चोरी हो गई है। उसके सत्यापन में मालसलामी थाने से पुलिस पदाधिकारी और बल गए थे और उसके अभी आगे 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 कार्रवाई की जा रही है। उसमें नहीं, अभी तो वो आवेदन दिए हैं, पूरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, देख नहीं पाए उसको, केस हुआ है। नहीं अभी उस पर कुछ नहीं है, वहाँ पर आपने सुनता सीसीटीवी का वो DVR वगैरह शायद उसका लेके चला गया है। तो बगल में है कुरकुरे कारोबारी, उनके यहाँ भी हम लोग जा रहे हैं। कितने भी चोरी बताई जा रही है इसका जिक्र अभी नहीं किया गया है, वो अभी हम लोग मिल रहे हैं। ऐसे जानकारी चोरी का मिला। हम लोग होली के टाइम में बाहर घूमने गए थे अयोध्या, पूजा करके आएंगे 2-3 दिन के लिए, तो वहाँ गए, वहाँ से मेरा कैमरा सब कुछ लगा हुआ है मेरे पूरे घर में, तो हम लोग ऑनलाइन देखते रहते कहीं भी जाते हैं तो, लेकिन वहाँ से दिख नहीं रहा था कुछ, शो नहीं कर रहा था, तो हमको लगा कुछ इशू होगा। 3 दिन बाद जब पटना अपने घर वापस आ रहे हैं तो बाहर से गेट में ताला लगा हुआ था, लेकिन ताला खोले अंदर जब आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक ऊपर में सीढ़ी पास मेरा गेट तोड़ा हुआ है, अंदर मेरा पूरा कैमरा का सब कुछ उखाड़ा हुआ है, DVR लेके चले गए हैं, रूम में मेरा अलमारी तोड़ा हुआ है, लॉक अभी भी अलमारी, लेकिन ऊपर से खुंडी पूरा तोड़ा हुआ है, और जितना भी ज्वेलरी था लगभग 1.5 लाख का था वो लेके चले गए, कैश था 1,90,000 करीब कैश पूरा लेके गए, और कुछ नए कपड़े जो थे वो लेके चले गए हैं। इसके अलावा कुछ पुलिस को सूचना दी है, पुलिस आई थी? हाँ, जब हम लोग आए देखे तो पुलिस को सूचना दिए हैं, डायल 112 पे भी किए हैं, तो दोनों लोग आए रात में 1 बजे, देखें फिर कुछ वीडियो भी बनाए हैं देखें, उसके बाद बोले कि ठीक है हम लोग सुबह में आते हैं देखते हैं। तो उसके बाद मतलब क्या कार्रवाई से क्या तुम्हें इलाके में कि चोरी की घटना लगातार हो रही है? ये इलाके में चोरी करना लगातार हो रही है, 1 महीने पहले ही एक बगल में कुरकुरे की फैक्ट्री में हुआ था, उसका भी DVR ही पूरा लेके चला गया था, कैमरा का पूरा सेटअप लेके चला गया था, लेकिन उसका तो खैर पकड़ा गया है। लेकिन यहाँ इस मोहल्ले में चोरी का सिलसिला लगातार चालू है, दारू वारू बिकता है, उसी कारण से इधर उधर के लोग आते हैं पीने के लिए, चोर चुहार लोग, तो उस कारण देखते रहते हैं। पेट्रोलिंग गश्ती यहाँ पर होती है कि नहीं होती है? पेट्रोलिंग गश्ती होती है, बहुत कम होती है, जिस कारण इधर आगमन ज़्यादा है चोर लोग का। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला अभी तक? पुलिस की तरफ से बोला गया FIR अभी हुआ है, बोले हैं कि आएंगे जाँच में। क्या नाम है? मेरा नाम है भाई राजुआ। क्या करते हैं? मेरा कुरकुरे का फैक्ट्री है, बिजनेस है मेरा। NBC 24 के लिए पटना सिटी से अनिल कुमार की रिपोर्ट।